काफी ज्यादा भीड़ देख सकते हो आप, पूरा खचा खच भर रखा आज, और वहां भी पूरा भर रखा आज भाई, पूरा भर रखा आज ग्राउंड। चार रन और यहाँ पे देवरे जीती हुई। आज का ये मेगा फाइनल खेला है और जीता है देवरारी ने। वो है खुशड़ी, अरे कालू भी है वहाँ पे, अरे अंशु, अरे कौन दिख रहा है, हाय कन्नो, हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है क्योंकि काफ़ी बिजी था मैं, क्रिकेट वगैरह में बिजी था एंड मैच चल रहे थे तो फिर मैच ही देखने के लिए चला जाता था, वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था गाइस। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ केक देने के लिए। पहले कहाँ हम जा रहे हैं गाइस, देहरादून जा रहे हैं क्योंकि आज है सचिन की वाइफ का बर्थडे, मतलब भाभी जी का बर्थडे आज, और मेरे साथ ऊपर से आ रहा है टीपू, तो टीपू का भी बर्थडे आज, तो उसका बर्थडे भी शाम को सेलिब्रेट करेंगे गाइज, उसका केक भी बना दिया है। तो अभी मैं हूँ गाइज अपने धनों के पास, अभी ऊपर से टीपू आ रहा है तैयार होके, तो उसका वेट कर रहा हूँ। एंड अभी हम पहले चलेंगे देहरादून, वहाँ केक वगैरह देखे, उसके बाद चलेंगे हम संगला कोटे क्योंकि संगला कोटे में गाइज आज फाइनल मैच है, तो फाइनल मैच देख के और उसके बाद हम आएंगे गाइज घर। तो पहले हम धनों को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो हो गई अपनी धनों स्टार्ट। तो गाइज हमारे बर्थडे बॉय आ चुके हैं कट्टा लेके, अकेले ऐसा कौन, अरे यार आज बर्थडे दिन भी है, और हैप्पी बर्थडे टीफू, धन्यवाद आपने ये सुप्रीम भेज दिया हमें गेहूं का कट्टा। अच्छा रखड़ का क्या इधर केक से पीछे ने खुश पकड़ दे, चलो। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं देहरादून में सचिन के घर के, मतलब सचिन के घर पे जा रहे हैं केक देने के लिए, आगे से चल रहा टीपू सिंह, चलते हैं। ताल से क्या मैंने देख नहीं देखा उसका घर, टीपू ने देख रखा है, तो चलते हैं उसके घर पे। गैस टिप केक लेते लेके जा रहा है आगे आगे, कर जा ना तू जा ले। तो गैस टिप शर्मा रहा है, चल 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 शर्माना। सो हे गाइस, हम दोनों केक वगैरह देख के आ चुके हैं, तो वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मेरे को थोड़ा शर्म लग गई, मतलब पहली बार मिला ना मैं इसलिए, और सचिन भी नहीं था तो इसलिए थोड़ी बहुत लग गई, और इसको ज्यादा लग गई इसकी। चल तेरी वजह से नहीं बनाया, नहीं 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 इसकी वजह से नहीं बनाया, इसने मना करा, चुप रहो भाई, इसने मेरे को बोला इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। एक तो काफी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया ना इसलिए, तो सो अब चलते हैं और फिर क्रिकेट मैच देखेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपको। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं फील्ड में, आज काफी ज्यादा भीड़ देख सकते हो आप, पूरा खचा खच भर रखा आज, और वहाँ भी पूरा भर रखा आज भाई, पूरा भर रखा आज ग्राउंड। अरे हमारे छोटी भाई और संदीप भाई, तो पता पता सिर्फ खड़े छोड़ ऐसे, और यहाँ पे तुम प्याज कैसे पकड़ना पड़ो, पता पता जनता देख सकते हो गाइस, बहुत तगड़ी जनता आज भाई। तो गाइस मिर्चोड़ा ने बनाया है 134 रन, अरे 135 बनाए दिए रोड़ी को, अरे दूसरा इनिंग स्टार्ट हो चुकी है दूसरी, ओ भाई और जनता आज बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो लेडीज यहाँ भर रखी है और इधर पूरी जनता है, यहाँ भी भाई पूरी जनता ही जनता आज। छोटी भाई 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति बनानी है, मामा जी हमें जलेबी खा रहे हैं, जलेबी का नहीं थी थोड़ा सा गति में परिवर्तन और खा ले समझ नहीं पाए, खा ले खा ले खा ले रुको, गेम को भाप गाइस, अब चाहिए देवरोड़े को 16 रन मात्र 24 गेंदों में। ओए भाई 6
और यहाँ पूरा एकदम क्राउड आप देख सकते हो खतरनाक चाहिए। मुझे लगता है इस ओवर में जीत जाएंगे, 10 रन है 23 बॉल में 10 रन, 22 गेंदे 10 रन। क्या छोड़ दिया निश्चित रूप से, अगर क्षेत्र रक्षण सीमा रेखा के बाहर 4 रन, 20 गेंदों में 2 रन, 20 गेंदों में 2 रन। ओ भाई, तो गाइस 2 रन चाहिए मात्र, और सब भागने के लिए तैयार हो रखे पीछे देव रेडी वाले, और आप इधर देख सकते हो मात्र 2 रन चाहिए 20 गेंदों में, और यहाँ पे पूरा खचा खच भर रखा है 2 रन। तरीके से खेला गेंद 4 रन, और यहाँ पे देव रेडी जीतती हुई आज का ये मेगा फाइनल खेला है और जीता है देवरारी ने 7 विकेट पे। तो एक बार पूरा बधाई पूरी टीम को, दोनों टीमों को हमारी तरफ से बधाई, निर्जोड़ा को और देवरारी को, देवरारी को हिस्से ले देवरारी ने ये फाइनल मुकाबला 7 विकेट। ओ भाई, खतरनाक मैच हुआ यहाँ पे, बहुत ही मजा आया सबको। अरे गोल से यहाँ पे पटाखे फोड़ते हुए बच्चे। ओ भाई, खतरनाक, और देव रेड्डी की पूरी टीम यहाँ। इसके बाद पुरस्कार भी देना होने वाला है, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा फ्रेश चाहूंगा कि आज का जो मत नहीं दिखोड़ यार, लेकिन थोड़ा सा अंत थोड़ा मैं इंतजार रहा। बिल्कुल, जिस प्रकार के देवराज के बल्लेबाजों ने शुरुआती क्रम में करा पूरी महिला मंगल दल सुमला गुटी, जब से गोलू गेंदबाजी पर आए थे अंकुश लगा दिया था, बेहतरीन गेंदबाजी कराई थी, रोक दिया था कुछ देर टीम को, लेकिन पुनः उसी लय में आए और एक आसान से जीत हासिल कर ली थी टीम देवराड़ी ने। बिल्कुल सही कहा आपने अमन जी, मैं मानता हूँ जो मुकाबला हमें आज का मेगा फाइनल देखा है उसमें निश्चित रूप से यहाँ पे हलोनी के भी निर्देशक की बल्लेबाजी देख लीजिए तो उस तरीके से नहीं वाले भी आ रखे मैच देखने के लिए। अगर निश्चित रूप से 15 ओवर में कम कम 170-180 रन बन ले तो एक बहुत रोमांचक मुकाबला मिलता। बिल्कुल, जो कि मुझे काफी उम्मीद थी कि बिरसोड़ा की टीम भारी पड़ेगी देवराड़ी की टीम के ऊपर, लेकिन ये तो पास ही उल्टा पलट गया रावत जी। बिल्कुल, किसी ने कहा था कि मिर्जोड़ा एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन देवराड़ी ने जिस धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी और बहुत सभी हुई गेंदबाजी किया, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण किया, उसका फैसला आना था और निश्चित रूप से जीत में उसका फैसला बन रहा। तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं साईं बाबा की मंदिर के सामने, यहाँ पे हम खा रहे गाइस कुरकुरे। तो मैच काफी रोमांचक हुआ, बहुत ही मस्त मैच था और देव रेड्डी जीती, हम बहुत खुश हुए देव रेड्डी जीती। आपको कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा मैच, एंड उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया हर खिलाड़ी ने, योगदान क्या हर किसी ने अच्छा एफर्ट करा, और फील्डिंग में जो उनका एफर्ट था वो सबसे बेस्ट था उनका, जिस वजह से उनकी टीम जीती आज। हाँ, वो चीज बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये भी चीज अच्छी लगी कि हमारे ही एरिया में गई, मतलब जो उसकी ट्रॉफी थी सिंगला गोटी की वो हमारे एरिया में जीते, इस बात की और ज्यादा खुशी है। सो गाइस, देवरेड की फील्डिंग देखते ना बहुत ही औसम थी। व्लॉग मतलब मैं थोड़ा लेट पहुंचा इसलिए मैं लाइव नहीं जा पाया, नहीं तो मैं पूरा मैच आपको दिखा था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं अब ऐसे ही छोटा सा व्लॉग बना देंगे। और शाम को हमारे टीबू भाई का बर्थडे भी आज सेलिब्रेट करेंगे आज मस्त करके, है ना, एक केक तो हम दे आए वहाँ, अब एक केक शाम को काटेंगे। सो गाइस, मैंने शैंपेन के बोतल बस, ओ फिर सस्ती वाली यार करनी। सो गाइस, अब 1000 रुपए बस सो गाइस, अब हम चलते हैं सीधा घर पे और खाना वगैरह खाते, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रहा था, खाना वगैरह खा के फिर मिलते हैं आपसे। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। सो शाम के बज चुके हैं, 6 बजने वाले हैं, 5:45 बज चुके हैं, और मैं हूँ अपनी बेकरी पे, और अभी गाइस मैंने केक बनाया क्योंकि आज है खुशी की मम्मी पापा का एनिवर्सरी, तो अभी जस्ट उसने अभी बोला तो अभी भी बनाना पड़ा मेरे को, एंड एक केक बना रखा मैंने टीपू सिंह का, वो है अंदर फ्रिज में आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे टीपू सिंह बर्थडे बॉय यहीं पे है। सो अब हम पहले केक देने जा रहे हैं वहाँ खुश होकर गए, देन उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे हम टीपू को बर्थडे। सो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे। गाइस, अब हम चल रहे हैं खुश होकर घर पे, तो मेरे साथ है टीपू सिंह, गाइस हमारे पास ये है केक, तो केक देने चल रहे हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं खुश होकर घर पे, और ये है खुशड़ू, वो है खुशड़ी, अरे कालू भी है वहाँ पे, अरे अंशु,
अरे कौन दिख रहा है? हाय कन्नो, हाय कन्नो, हाय कर दे कन्नो, हाय तेरी मोटी मम्मी कहाँ है? हेलो कन्नो, वेरी मोटी मम्मी कालो चल नमस्ते फिल्टर लगे फिल्टर बार फिल्टर लगे कहाँ एनिवर्सरी वाले कहाँ गए गिर कर ऐसी एनिवर्सरी लाया बे यहाँ चुपचाप चुपचाप सब ले बॉय बोल बॉय इमो बॉय कल शायद से पकड़ने हैं बोली कैमरा ऑन ही है तो हे गाइस केक वगैरह देख के आ चुके हैं मैं और टीपू और चाय वगैरह पी ली थी थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है अब घर पे चलते हैं और फिर टीपू का केक भी ले जाना है ऊपर उसके घर पे तो फिर मिलेंगे आपको फिर से आते कोनी बेकरी पे आ गए हमारे बर्थडे बॉय उसके साथ गोलू सिंह भी केक लेने के लिए केक पैक कर दिया है और मेरे लिए पकौड़ियाँ रखी हैं टीपू के घर से तो पकौड़ी खाते हैं और फिर चलते ऊपर टीपू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं टिपू घर पे और अब यहां पे करेंगे टिपू का बर्थडे सेलिब्रेट ना ना सीने इन्हें घुमा दे Hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left Storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands, through the highways टिपू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है तो अब मैं भी चलता हूँ घर में खाना खाने के लिए उसके बाद सोएंगे और कल हमने जाना कुरख्याल मैच खेलने के लिए पर्सनली थैंक यू राहुल भाई फॉर मेकिंग माय बर्थडे स्पेशल और ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे तो गाइस अब घर पे चलते हैं और खाना वगैरह खा के फिर क्या करना सोना ही है सो इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे खत्म तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा टाटा गाइस